Hey guys, welcome to my YouTube channel मनीषा रानी सीला की जवानी। और आज का ब्लॉग बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हम बहुत ही खुश है, बहुत ही एक्साइटेड है किसी चीज को लेके, वो आपको आगे के ब्लॉग में पता चलेगा। और फिलहाल हम रेडी हो रहे हैं, क्योंकि मुझे कहीं जाना है। निक्की जल्दी आ जा, थोड़ा रेडी कर दे, बाप में हीरोइन बना दे। अभी ये मेरा आउटफिट है, अभी जैकेट पहनना बाकी है, अभी फुल रेडी नहीं हुए हो रहे हैं। लेकिन यार आज का इवेंट बहुत खास है, स्पेशल है, सजा दो। आज सब बोल रहा हूँ मनीषा ओवर कर रही है, ओवर नहीं कर रहा मैं, थोड़ा हम जिंदगी से थक गए हैं और एक्साइटेड। आप लोग अभी तक सोच रहे होंगे कि आपकी मनीषा रानी आखिर आज कहाँ जाने के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड है, तो अब हम बताने जा रहे हैं कि आखिर हम कहाँ जा रहे हैं। मुझे Amazon Mini TV की तरफ से हाफ लव हाफ अरेंज के स्क्रीनिंग के लिए इनविटेशन मिला है, तो हम वहीं जा रहे हैं। और हम बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि मैंने ये सीरीज देखा है, 2-3 एपिसोड देखा और मुझे ये सीरीज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। और ये टॉपिक इतना ज्यादा मजेदार है, हाफ लव हाफ अरेंज, तो आप समझ सकते हैं कि मनीषा रानी तो ये देखेगी देखेगी और आप लोग को भी देखना चाहिए। तो अभी हम वहां जाने वाले हैं और ये सीरीज पूरा देखने के बाद आप लोग को रिव्यू देंगे कि ये कैसा है और इसमें क्या हो रहा है, जो भी सब सब बताते हैं आप लोग को देखने के बाद। हे माय लवली पीपल, कैसे हैं आप लोग? तो अब हम रास्ते में है, कार से जा रहे हैं स्क्रीनिंग के लिए PVR। और ये रही मेरी सिस्टर मिस्टी। हाय मिस्टी। और आज मनीषा रानी ब्लैक ब्लैक पहनी है, ड्रेस देख सकते हैं, सुपर सेक्सी लेडी ऑन द फ्लोर। नो नो, इन द कार। इन द कार, अच्छा, नॉट ऑन द फ्लोर। ओके सॉरी, नॉट ऑन द फ्लोर। ओके सॉरी, एक्साइटमेंट में हो जाता है गाइस। सुपर सेक्सी लेडी इन द कार, आई विल लॉन्च दिस सॉन्ग। सही है मिस्टी, बना सकते हैं ये सॉन्ग यार। या सो गाइस, हम एक बहुत ही क्रिएटिव लड़की है, जैसे मनीषा रानी आप लोगों को पता है, हिंदी में स्क्रिप्ट लिखते हैं, बहुत कुछ लिखते हैं, बट हम सोच रहे हैं कि एक गाना हम इंग्लिश का लिखेंगे और वो लॉन्च करेंगे और खुद ही गाएंगे। सुपर सेक्स इन द कार गोइंग बाय विद लॉट्स ऑफ गाइस और फादर्स से मार खाए माय विच अप्लाई but we all enjoy, we get alive once time. Wow, Manisha Rani, Talia, hey Abel, Tali bajao babu. Ye winner babu. एक्साइटेड नहीं, बट हाँ व्यूअर्स के लिए अच्छी बात है, जो बिग बॉस के फैंस हैं जिनको बिग बॉस देखना। मैंने हाफ लव हाफ अरेंज का पहला एपिसोड देखा है और मुझे ये सीरीज बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगा है। फर्स्ट एपिसोड तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, तो इसलिए स्पेशली हम बाकी का एपिसोड देखने आए हैं। और वो मुझे जो मानवी का कैरेक्टर है वो इतना ज़्यादा अच्छा लगा और इतना ज़्यादा रिलेटेबल है, क्योंकि सीरीज बहुत ही ज़्यादा फन कॉमेडी, मतलब फुल ऑन ड्रामा वाला पूरा पैकेज है इसमें। तो आप लोग बिल्कुल भी बोर नहीं होने वाले हो, क्योंकि ये पहला एपिसोड है तो हम बिल्कुल भी बोर नहीं हुए, मुझे बहुत अच्छा लगा देख के। तो दूसरा एपिसोड के लिए हम आ रहे हैं। मनीषा जी, कैसा लगा आपको? रिया के कैरेक्टर सच में बहुत अच्छा लगा, मतलब इतना ज्यादा रिलेटेबल था कि आई थिंक मुझे लगता है ये सबके लाइफ से कहीं ना कहीं जुड़ा होगा। नहीं नहीं, मेरा खुद का लव है जो एक्चुअल लव है, जो मेरी दो बेटियां हैं अभी ऑफ स्क्रीन, पर मेरा मानना ये है कि लव करो और माँ बाप करो, इसी अरेंज है। उसपे तो हम भी बिलीव करते हैं, बट लव में तो आजकल लव मिलता भी नहीं है ना, आप लोग का तो मिल गया होगा, बट ढूंढो ऐसा क्या, मेरी बिटिया को भी मिला है, मिल गया मेरे ख्याल से, अगर आप शिद्दत से ढूंढोगे तो मिल जाएगा। अरे हम तो इतना शिद्दत से ढूंढने की बात कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इतना मत ढूंढो, इतनी तेजी से छोड़ दो, वो जो मिलना होगा तो मिल ही गई, वो अपने आप सामने आ जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुमने इतनी मेहनत करी, बिकॉज प्यार जब होता है तो हो जाता है, उसके लिए ज्यादा उसके पीछे मत पड़ो, वो अपने आप होगा।
वो तो हमको जाता है, उसका कोई टेंशन नहीं है। सामने सामने वाले के बारे में पता लग रहा है। जैसे आजकल के लोग बहुत कम ऐसे होते जो ऑनेस्ट वो वाला होता है, और हम लोग को तो लेकिन इतना अपनी ईमानदारी इतनी ज्यादा भी नहीं दिखानी चाहिए। रखो अपने तक अपनों के बीच में, लेकिन बाकी लोगों को इतनी ज्यादा खोल के नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि वो आपको समझ नहीं पाते और आपकी जो इतनी में आप रहो, लेकिन सबके सामने जरूरी नहीं है कि आप अपना जो एक खुलापन है या जो आपकी सच्चाई है, जो बच्चों जैसी आपकी आप खुद ऐसे हो सकते हो, लेकिन सामने वाला हो सकता है ऐसा ना, तो वो आपका क्या। वैसे मुझे मेरा मानना है हमेशा बच्चे की तरह रहना चाहिए, लेकिन देख कर किसके सामने कैसे ये इसको समझदारी कहते हैं चारों, क्योंकि जो अपने हैं उनके बीच में जो मर्जी कर रहे हैं, लेकिन जब ऐसा है तो फिर समझता है। थैंक यू फॉर द बेस्ट एडवाइस, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। बहुत प्यार से आई थी, मुझे लगा वैसे लगा कोई बहुत जल्दी में नहीं चाहिए, थोड़ा रुक के मिले, जब भी मिले छप्पन मार के मिले। जब शादी होनी है, जब प्यार होना है, तो वो अपने समय से ही होगा और वो उसी से होगा जो भगवान ने आपके लिए बना रखा है। बहुत अच्छी है आप, इसीलिए कोई जल्दी करने की जरूरत नहीं है, जब होना है। थैंक यू डियर, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे भी मिलकर बहुत अच्छा लगा तुमसे। बंगाली थी, मेरे पापा एमपी से है, मम्मी यूपी से है, सब हमारे यहाँ तो अरेंज है ही नहीं, और सब पता निकल भी गया। मेरी तो बेटी भी कर रही है लव मैरिज। हाँ बताओ कैसा लगा? वही तो हम बोले, मतलब जहाँ तक हम जा रहे हैं, आपको पहले देखे थे स्क्रिप्ट तो बहुत फनी मजेदार, बट वो तो कैरेक्टर। चलो मैं चलो मतलब मैं मानना चाहूंगा कि बहुत तगड़ा एक्टर है। हाँ यही है ना कि मतलब सरीफ का मिला तो आप सरीफ बन गए। तो नहीं मैं बहुत मुझे जब एक्चुअली ये ऑफर हुआ था तब भी मैं हंस रहा था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि मुझे ना हमेशा अर्थ कैरेक्टर अर्थ जैसा है ना शुरू में, उसके कैरेक्टर हमेशा ऑफर होते हैं जैसे लड़की बात। हाँ कि मतलब फ्लैमबॉयंट रहो, थोड़ा इधर थोड़ा अपनी बॉडी वॉडी दिखाओ और खुश रहो, और जब मुझे जोगी लगा मैं बहुत ऐसा लगा कि आपको दिख गया तो कुछ तो होगा, तो करके निकाल करके निकाल ही ले, बट आपको अच्छा लगता है। बाकी के चार एपिसोड देखो, बिल्कुल देखेंगे, क्योंकि सच में मुझे ये सीरीज बहुत रिलेटेबल, और ये जो कहानी है एकदम लोग जो हम लोग के साथ मिलता है। तो हमारे देश का सबसे बड़ा फेस्टिवल भी तो शादी है। हाँ। तो वो तो खत्म हो गई नहीं। तो आपसे पूछा गया कभी शादी के बारे में? हाँ। आप मुझे बताएं, अगर आपको टीम लव और टीम अरेंजमेंट को चूज करना हो तो आप क्या चूज करेंगे? जीवन में लोग दो शादी तो कर ही सकते हैं ना, तो हम दोनों मिल लेते हैं, एक लव कर लेंगे, अरेंज कर लेंगे। वैसे भी इतनी खूबसूरत है, दो शादी तो ऐसे भी डिजर्व करते हैं। बोलिए जा रहे सोने, तो सोने से पहले आपको रिव्यू दे देते हैं कि हाफ लव हाफ अरेंज सीरीज बहुत अमेजिंग है, तो हम आप लोग को भी सजेस्ट करेंगे कि ये सीरीज जरूर जरूर देखिए, आप लोग को बहुत मजा आएगा। गुड नाइट चाचा, और डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। लव यू ऑल।